हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भारत के बहुत से रहस्यमय स्थानों की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, तो ये उस सीरीज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहाँ का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भू शून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता और जो व्यक्ति यहाँ जाता है उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। इतने सारे चमत्कारों से भरी इस जगह का नाम है ज्ञानगंज मठ, जिसे शांग्रीला, संभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम हिमालय की पहाड़ियों के बीच गुप्त रूप से स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दूं कि वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्ध आश्रम कहा गया है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने सबसे पहले इसके बारे में जेम्स हिल्टन की नोवेल द लास्ट होराइजन से जाना। नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम ने भी शंग्रीला घाटी की तलाश की थी, लेकिन वह शंग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुँच पाई। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यहाँ पर रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है, उसमें भी ऐसे ही एक आश्रम का जिक्र है जो बिल्कुल इसी आश्रम की तरह है, बस उसका नाम और स्थान बदल दिया गया है। बहुत से लोगों ने इस जगह को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सब नाकाम रहे। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, ज्ञानगंज एक कल्पना है या फिर कोई ऐसी जगह, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने दावा किया है कि वो वहां जा चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एलपी फेरेल की बात भी सामने आती है। फेरेल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे। उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। दोस्तों, आपको इस आश्रम के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप इससे पहले इस आश्रम के बारे में जानते थे? और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रहस्यमय वीडियो के साथ। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।